एडवेंचर की एक नई फिल्म रिलीज हो रही है बेफिक्रे, तो आप तो जानना चाहेंगे फिल्म आपके हिसाब से कैसी हो? फिल्म में अगर अपने ये है क्या नाम है रणवीर सिंह है तो पिक्चर तो एक नंबर ही रहेगी। वानी कपूर भी है, एक नई एक्ट्रेस है जो डांस वगैरह सॉन्ग बहुत पसंद आए हैं, क्या लगता है म्यूजिकल हिट होगी? DDLJ जैसा कमाल कर पाएगी? ऑब्वियसली 2 पैसे ज़्यादा ही कमा लेगी भाई, 2 से 4 पैसे ज़्यादा ही कमा लेगी। वेलकम ब्रो। आप तो बड़े फॉर्मल गेटअप में दिखाई दे रहे हो, तो अगर छुट्टी मिली तो बेफिक्र देखने जाओगे आप? ऑफ कोर्स देखने जाऊंगा, मूवी अच्छी रहेगी। अच्छा कैरेक्टर है उसका, एक्टिंग वगैरह भी अच्छी है तो ऑब्वियस अच्छी जाएगी। ओके, DDLJ के बाद कहा जा रहा है शाहरुख की DDLJ के बाद वो मूवी से तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो मूवी और ये मूवी में काफ़ी डिफरेंट होगा। दैट्स इट, थैंक यू। बेफिक्र फिल्म रिलीज हो रही है, आप एक्साइटेड हो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए? हाँ यस। बाजीराव देखी थी जिसमें रणवीर थे? हाँ बराबर, एकदम करेक्ट देखी थी। यशराज के बाहर है, हम भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत। गाने सर सुने लेकिन अभी तो फिलहाल चाय का कर रहे थे, चाय सुनेंगे अभी तो पीले तो। हाँ हाँ, बेफिक्र देखने जाएंगे 100%। ओके थैंक यू। एक बार फिर एक नई फिल्म रिलीज हो रही है बेफिक्र, कल आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर? आई एम जस्ट नॉट रियली वेरी एक्साइटेड बट डेफिनेटली द ट्रेलर्स आर रियली प्रॉमिसिंग एंड लुक्स वेरी गुड, वेरी फ्रेश। एंड व्हाट अबाउट द वाणी कपूर और रणवीर सिंह की जो केमिस्ट्री है फिल्म के अंदर, वो कितना पसंद आया आपको? आई डोंट नो, द ट्रेलर एंड द सॉन्ग्स आर रियली गुड, लुक्स गुड, लुक्स गुड। रणवीर इज लुकिंग मोर फ्रेश, आई डोंट नो वाणी कपूर। मैं बहुत एक्साइट हूँ क्योंकि अभी के जमान अभी जो चलेगी तो उसमें जो रणबीर कपूर और रणबीर सिंह है तो वो और बानी, इनकी केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, तो सभी लोग सभी लोग एक्साइटमेंट में है, तो अभी देखेंगे कैसी मूवी है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं फिल्म से? मेरी उम्मीद सर ये, मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हीं की पिक्चर देखता हूं मैं क्योंकि मैं रामलीला में खुद मैंने काम किया उनके साथ, और अभी उनकी पिक्चर आएगी तो अच्छी होगी, और जो हीरोइन है वो भी अच्छी है रणवीर के साथ, वो भी निकल जाएगी बेचारी। हाँ की केमिस्ट्री आपको कितनी पसंद आ रही है ट्रेलर के हिसाब से? हाँ अच्छा है, गाना अच्छा है उसके अंदर जो डांस कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ ये नहीं बता सकता मैं, जब फिल्मों में ऐसा तो होता ही अक्सर, ऐसे भी नहीं है ज़्यादा ख़राब होते बड़ी पिक्चरों में, बड़ी पिक्चर बहुत साफ़ सुथरी होती हैं क्योंकि मैं भी वही इंसान हूँ जो आप बात कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है ये अच्छी पिक्चर है और मुझे रणवीर की फिल्म कोई भी है मैं देखता हूँ। वाणी कपूर आपको कितनी पसंद है? अभी तो उनका पहला था एक मूवी थी और अभी उनकी सेकंड है मूवी, तो अभी देखेंगे, बट उनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है दोनों की, मेक ओवर भी बहुत अच्छा और कैसे अभी हॉट लुक में दिख रही है वो बहुत ये है। तो कल फर्स्ट देखने जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। नहीं कल पिक्चर रिलीज हो रही है तो हम कल ही चांस मारेंगे ना। हाँ नहीं तो फिर परसों तो देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि रणवीर काम बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि दिल से काम करते हैं, लोग यहाँ से काम करते हैं दिल से करता है क्योंकि पंजाबी है ना, और पंजाबी मैं भी हूँ तो मैं भी सोचता हूँ उसके जैसा स्टार बनूँ। हाँ आज वो मेरे लिए तो स्टार है ना, आज भले मैं छोटे रोल किए मैंने बड़े किए, रोल तो रोल ही होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ सुना ना अभी जो चल रहा है उस पर अपना, हाँ मतलब इतना नहीं सुना मैंने, मतलब फिल्म अच्छी है, अर्पण से ऐसा आ रहा अच्छी है, दोनों अच्छा काम किया दोनों ने, मुझे अच्छा लगा ऐसे सुन के। विश करना चाहेंगे रणवीर को? विश यार ये बस उसकी पिक्चर हिट हो जाए, ये दुआ है हमारी उनके लिए। हाँ क्यों, यही दुआ है हमारी, तो उसकी हिट पिक्चर हो और बहुत अच्छा इंसान है वो, दिल का बहुत है अच्छा है, मैं भी पंजाब से हूँ, वो भी पंजाब से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं अपने एक्चुअली ग्रुप में देख रही हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँ बेसिकली, okay. मुझे है? मैं रिलेट कर रही हूँ अपने आप से, एक्सपेक्टेशन क्या है फिल्म से? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत अच्छी होगी, okay. बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। रणबीर कपूर है या मुझे थोड़ा वाणी कपूर से थोड़ा है कम एक्सपेक्टेशंस हैं, वाणी रणबीर है इसलिए देखने जा रही हूँ वाणी का ये yes. हाँ तो वो थोड़ा नया होगा तो लुक थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आपको लग रहा है कि दोनों
केमिस्ट्री वेमिस्ट्री बाहर में जाए, बट रणबीर कपूर रणबीर सिंह संभाल लेगा। यस ऑब्वियसली रणवीर सिंह है। यस ऑब्वियसली क्योंकि मेरा उस दिन ऑफ भी है इसलिए। यस थैंक यू। आई एम प्रीटी एक्साइटेड सिंस वाणी कपूर इज कमिंग आफ्टर शुद्ध देसी रोमांस, सो हैव अ बिट ऑफ एक्सपेक्टेशन बिकॉज शी जस्ट वन फिल्म ओल्ड इन द मूवी, सो आई थिंक she should do a pretty good job in the movie. But don't you think her look has changed after Shuddeshi Roman? She looks very different. Yeah, but if I go to think, like, you know, she's been one movie old, so I don't think she must have gone under the knife. Maybe because of too much of touring and weather condition in Paris, it may have changed. And how often the songs of this song, this movie, runs in your mind? नशे से चढ़ गई है ड्रग्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज शी कीप्स ऑन लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड शी मेक्स मी लिसन टू इट। पर्सनली आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट या वो होता है ना कि फ्रेंड सुनाते रहते तो वो आपको भी आदत हो जाती है सुनने की। या सो दैट्स इट। कैन यू सिंग फॉर अस अ लिटिल बिट? ओके, आई जस्ट नो द सिंगल लाइन, दैट्स नशे से चढ़ गई है कुड़ी नशे से चढ़ गई वाणी, दैट्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। या आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई लव रणवीर सिंह, ही इज माय वन ऑफ माय बेस्ट हीरो एंड copying his style, I'm wearing his t-shirt also. Okay. You can see right now, navy blue. And really very excited and waiting for the movie. That's it. Love Vani and Ranveer cooperation and combination. And let's see what happens. Don't you think Vani's look has changed? Yeah, there are many rumors that she has done surgery and all, lot of things. But still, as per I saw in that movie, which movie was that? Shuddeshi Romance. Comparatively, she is so good. Yeah. As for the song release, that Nasheesi, that all, Nasheesi Chad again all, love the song and let's see the reaction is, the combination is best and the shoot location, the foreign things and all, just attracting the public, audience to look over the movie. A lot of people are saying after DDLJ, it will be the one of the best movie of Aditya Chopra. Hope so, but DDLJ is like world best movie till now, and you can see in Switzerland there is a hall where still that movie has been telecasted. Okay, any song from Baby Grey you want to get to our audience? Yeah, Nashe Se Chad Gayi Ha Kudi Nashe Se Chad Gayi Oh Zuba Pe Lad Gayi Ha Kudi Zuba Pe Lad Gayi. That's it. Thank you so much. Thank you. You're excited at all. Really excited. I always want to watch Ranveer Singh. He is my favorite hero. Okay, कहा जा रहा है DDLJ के बाद आदित्य चोपड़ा की अच्छी फिल्म होने वाली है बहुत दिनों बाद. Do you agree with this? I don't know. I have to watch, but it looks promising. This movie is of not of that level of this Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. It should be a good movie, but not can't be compared with that. But will you go to first day first show? Not first day first show. Okay. It's not like going for first day first show. And which song did you like from this movie? That the Befikre one. The title track. Yeah. Title track. मूवी देखे बहुत एक्साइटमेंट में, क्योंकि एक तो रणवीर सिंह फर्स्ट टाइम इतने बड़े एक्साइटमेंट, और फर्स्ट टाइम जो कपल है इन दोनों के, वाणी कपूर की फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी केमिस्ट्री आ रही है, और प्लस ये इवेंट सॉरी ये जो मूवी हुए काफ़ी बड़ी लेवल की है, और फर्स्ट टाइम इटालियन और इंडियन मिक्सअप है, थोड़ा बॉलीवुड और थोड़ा इटालियन मिक्सअप का है, प्लस ये जो कहते हैं ना कि एकदम एक्साइटमेंट वाली मूवी है, दैट्स इट। इसको मैं देखने के लिए डेढ़ महीने पहले से मैं टिकट अपनी बुक करवा चुका हूँ। किसिंग सीन्स लेके तो santamanda.com वॉलपेपर मैंने पहले किसिंग सीन उनको डाउनलोड किया था, उसके बाद मैंने मूवी का ट्रेलर देखा, दैट्स इट। और काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, और थैंक्स यश चास बैनर की इतनी अच्छी मूवीज बॉलीवुड में लाने के लिए, थैंक यू। वाणी कपूर का मेकओवर एक्चुअली जब इनकी पहली मूवी आई थी सुशांत जी के साथ, तो उसमें थोड़ी एकदम सिंपली गर्ल थी, बट इनकी सर्जरी के बाद जो ये थोड़ा कि लुक लाइक कि काफ़ी जैसे कहते हैं ना इंडियन प्लस इटालियन, वैसे ही लड़की लगने लग गई, दैट्स इट। कि अपना जो मतलब मूवी जो थीम है उसके हिसाब से दे बोथ आर बेस्ट, रणवीर एंड वाणी दे बोथ आर बेस्ट। एनी सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी नो आई वांट टू सिंग, मैं खुद की रिंगटोन है, हे प्ले करना एक बार, मैंने खुद की रिंगटोन लगा रखी अपने मोबाइल पे, जस्ट लाइक कि जो नशे चढ़ गए, आई एम पंजाबी तो ये गाना मेरा फेवरेट है मेरे लिए, दैट्स इट। I am loving this song and I am very excited for this movie, really. Okay. Thank you so much for watching. Thank you. Ranveer Singh.
आज के जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्म बेफिक्र रिलीज हो रही है, आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है फिल्म को लेकर? देखिए सर, फिल्म को लेकर तो बहुत एक्सपेक्ट है, जैसे उन्होंने बाजीराव सिंघम मूवी की हुई है तो जैसे उन्होंने जो किरदार निभाया हुआ उस मूवी में, तो किरदार देख के हमें तो लगता है कि जो नेक्स्ट मूवी होगी डेफिनेटली उससे और ज़्यादा एक्साइटेड होगी। हम भी काफ़ी एक्साइटेड है मूवी को लेके, अभी तो वेट कर रहे हैं कल मूवी आए सिनेमा में हम देखें। और जैसे कि इसमें काफ़ी अच्छे सीन्स किए हुए उन्होंने, किसी चुम्बन बहुत किया हुआ है, तो देख के बहुत मन को खुशी हो रही है। हम भी देख के सीखेंगे, कल को जब हमारी शादी होगी फिर हम भी ऐसे करेंगे। बहुत अच्छा यार, वो बंदा इतना अच्छा बंदा चाटे खा रहा है यार, वो किसके लिए उसके लिए, तो मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ा इन्जॉय करते हुए किस ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मतलब लविंग स्टोरी है, ऐसा आराम से हर एक चीज़ में किस है उनकी। अच्छा, गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं, कोई गाना आपको पसंद आया इसमें का? मेरे हिसाब से तो बेफिक्र इज द बेस्ट सॉन्ग, बेफिक्र बेफिक्र आता ही नहीं भाई, हिंदी में गाने नहीं गाते, बेफिक्र दिल बेफिक्र और आगे आता ही नहीं, सुना ही नहीं गाना, बट म्यूजिक अच्छी है उसकी। ओके यार, थैंक्स बड़ी, थैंक्स। रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज होने का, रणवीर सिंह की बेफिक्र, कितने एक्साइटेड हैं आप और क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म? हाँ, एक्साइटेड टू हूँ मैं, फिल्म अच्छी होगी बिकॉज रणवीर सिंह इज अ वेरी गुड एक्टर एंड बट वो वाणी कपूर के साथ आ रहे हैं तो वो भी अच्छी एक्ट्रेस है, एज वी हैव सीन हर इन दैट लास्ट मूवी, सो वी एक्साइटेड टू, क्योंकि मेरे को देखना है बिकॉज उनकी फैन हूँ छोटी सी, अच्छी मूवी होगी। ट्रेलर देखे हाँ देखा है, हाँ 23 किसिंग सीन्स है तो वो देखने के लिए थोड़ा आँख बंद करना पड़ेगा, लेकिन देख लेंगे उसमें और कोई कुछ नहीं। अच्छा, कौन कौन से गाने आपको पसंद आए जो भी रिलीज हुए? वो बेफिक्रे की जो टाइटल सॉन्ग है वो, हाँ नशे से चढ़ गई, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, सबसे अच्छी ऐसे ऐसे बताने से नहीं होता, गुनगुनाने से भी होता? नहीं, मेरे को नहीं आती सिंगर ने। ओके, नहीं मैंने किया तो खराब हो जाएगा पूरा गाना। ओके, कहा जा रहा है कि डीडीएलजे के बाद ये आदित्य चोपड़ा की अच्छी फिल्म होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, डीडीएलजे की हो सकती है क्योंकि डीडीएलजे की टोटली अपोजिट लग रही है बिकॉज उसमें रोमांस अलग फ्रेम में था और इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अलग फ्रेम में। वाणी कपूर का जो मेकअप है, मेकओवर लुक है, वो पसंद है आपको? नो, शी वॉज अर्लियर शी वॉज वेरी गुड एंड नाउ व्हेन शी हैज डन हर सर्जरी तो वो थोड़ा सा बोल्ड लुक है मगर अच्छा है। थैंक यू सो मच आपसे बात किया। थैंक यू, वेलकम। ओके, रणवीर सिंह की कल फिल्म रिलीज हो रही है बेफिक्र, आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म को लेकर? फिल्म बहुत अच्छी है क्योंकि वाणी कपूर उसमें है और सुनने में आया वाणी कपूर ने लिप सर्जरी कराई है, अभी वो देखना मेरे को ध्यान से है, फोकस करके देखूंगा कि उसने लिप सर्जरी कराई है या नहीं कराई है। रणवीर सिंह की कल की लेटेस्ट न्यूज थी, रामदेव बाबा ने उसको ऐसे उठा के पटक दिया, सोचना मिली आपको? तो वो भी देखना है, वो बोल रहा है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, ठीक है, तो इसलिए फिल्म देखनी बनती है क्योंकि टीआरपी ऑलरेडी एजेंडा में उन्होंने करी है कल रात, परसों रात में, ठीक है। फिल्म अच्छी है, यूथ के लिए अच्छी फिल्म बताई गई है, वही मैं एडवांस टिकट लेने आया हूँ यहाँ पे, मिल जाएगा तो देखता हूँ। एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी है क्योंकि रणवीर सिंह इज़ लुकिंग वेरी गुड और वाणी कपूर भी बहुत अच्छी लग रही है उसमें, तो शायद मज़ा आएगा देखने में मूवी, इस यूथ पे बनी हुई है मूवी कि किस तरह से कैसी मस्ती वस्ती कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल कपल्स जाएंगे देखने, सही मूवी रहेगी मेरे ख्याल से, मज़ा आएगा। हाँ, केमिस्ट्री तो बहुत सही लग रही है दोनों की। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो बहुत है क्योंकि ये आदित्य चोपड़ा जी की मूवी है और उन्होंने आफ्टर द लॉन्ग बैक, मतलब काफ़ी टाइम बाद कोई मूवी डायरेक्ट की है और शाहरुख खान को नहीं लिया है, तो रणवीर सिंह को देखना काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब डरे अंडर भी कह रहे हैं डीडीएलजे के बाद ये अच्छी फिल्म होने वाली आदित्य चोपड़ा की बहुत दिनों बाद। अब वो तो स्टोरी लाइन बताएगा कॉन्सेप्ट कैसा है मूवी का, जो तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वाणी कपूर यस लुकिंग स्टनिंग। अच्छा, उनका मेकओवर पसंद है आपको? मेकओवर हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत सेक्सी चार्म। फिल्म में ट्रेलर में देखा जा रहा है कि बहुत सारे किसिंग सीन्स हैं, रणवीर सिंह के ऑलमोस्ट 23 और किसिंग सीन्स के हैं, हां तो हाउ विल यू रिलेट टू दिस किसिंग सीन जब आप थिएटर में होंगे? अभी यार इनके साथ फिल्म देखने जाऊंगा, गर्लफ्रेंड के साथ तो जा नहीं रहा हूँ, अभी वो देखना ही पड़ेगा, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे ये है। कौन से गाने आपको पसंद आ रहे हैं अभी? अभी तो एक ही गाना उनका चल रहा है, नशे दी चढ़ गई, एक ही गाना उनका काफ़ी हिट हो रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं होता, थोड़ा गा के गुनगुना के होता है, तो आप जरा डेडिकेट करना चाहोगे थोड़ा गा के गुनगुना के? नशे दी चढ़ गई अभी ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा, अभी गाना भी याद नहीं ना। अच्छा एक मिनट रुको, गा के सुनाता हूँ, मैं ही नहीं अंजी ना। ओके, नशे दी चढ़ गई सॉन्ग, 1 2 3 नशे दी चढ़ गई, ओए कुड़ी नशे दी चढ़ गई।
पतंग से उड़ गई होए कुड़ी पतंग से उड़ गई, ले लो। नशे सी चढ़ गई होए कुड़ी नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई होए कुड़ी पतंग सी लड़ गई। उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, रात भर घूमेंगे रात भर चूमेंगे आसमान। लोगों ने ये भी कहा कि वानी का जो मेकअप है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी कह रहे कि उन्हें पसंद आने वाली है वानी का लुक। और फिल्म के अंदर जो किसिंग सीन करते आएंगे रणवीर, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि DDLJ के बाद अब ये फिल्म भी बेफिक्रे आदित्य चोपड़ा की अच्छी होने वाली है। अब देखना ये होगा कल पब्लिक रिव्यू के बाद लोग क्या रिएक्शन देते हैं एक्चुअली में, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा हाई है फिल्म को लेकर। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या आप कल फिल्म देखने जा रहे हो? फर्स्ट डे फर्स्ट शो।